राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री वेंकटेश लाल की श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री सेवक जू महाराज की समस्त संत मंडली की समस्त रसिक मंडली की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। समुपस्थित परमादरणीय पूज्य चरण संत महानुभाव रसिक हृदय भक्तगण भक्तिमती माताओं, ये सौभाग्य ही है, किशोरी जी कृपा करती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, तब उनके गुण गण ग्रणन का सुयोग प्राप्त होता है। वैसे जीवन की वे घड़ियां धन्य हैं जो संत समागम में व्यतीत हो जाती है। सत्पुरुषों के संग में जीवन का जो उत्तम पाथेय है, कल्याण का जो मार्ग है, वो प्रशस्त होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी पथ से होकर के तो वृंदावन के रस का देश सूझता है, दिख पड़ता है। भक्ति का जो प्रथम उन्मेष है, मोक्ष की अभिलाषा है। जब तक संसार से उपरती नहीं हो, विराग नहीं हो, घृणा नहीं हो, विषयों से अरुचि नहीं हो, तब तक मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय करना है वो नाटक है। सच्ची जिज्ञासा लालसा तो तभी होती है जब विषय विषवत हो जाते हैं, सहज अरुचि हो जाती है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि मैं विरागी उसको नहीं मानता जो केला की कॉपीन पहने हुए है, जाड़े में ठंड से लड़ाई करता रहता है। मैं विरागी उसको मानता हूं जिसके सामने एक फटा सड़ा हुआ कंबल जाड़े की ऋतु में प्राप्त करने लेने के लिए और एक उत्तमोत्तम शाल हजारों हजारों रुपये का स्वर्ण तारों से जड़ा हुआ रखा हो, दोनों चीजों में से तुमकी तुम्हारी इच्छा हो सो उठा लो। यदि किसी विरागी से कोई ये कहे कि इन दोनों में से कोई वस्तु तुम्हारी इच्छा हो उठा लो, पर जिसका मन सहज सहज उस फटे कंबल की ओर ललक रहा हो, उसे ही मैं विरागी मानूंगा। हमारे भक्तमाल में वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र आया है। उनके तीन पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रासदास था,
बीच के पुत्र का नाम बिलासदास था और सबसे छोटे पुत्र का नाम किशोरदास था। एक कौतुक किया व्यास जी ने अपने जीवन में तीनों पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा देने के लिए कहा। यद्यपि वे मानते तो थे कि संपत्ति सब हरिभक्तों की है, ऐसे अपने पदों में भी लिखा है उन्होंने, पर एक कौतुक किया, एक क्रीड़ा की, तीन बंटवारे किए। एक हिस्से में रखा उन्होंने ठाकुर, एक हिस्से में रखा घर की जितनी भौतिक संपत्ति, सोना चांदी कपड़ा मकान मिट्टिया जो कुछ भी था, और तीसरे हिस्से में रखा उन्होंने वृंदावन की रज, राधा नाम का छापा। पहला अधिकार दिया बड़े पुत्र को, उठा लो तुमको जो रुचे, तो उसने लपक के धन पे हाथ मारा। ये संसार के समस्त जीवों की सहज अभिरुचि है, ये बताया। उसने धन पे हाथ मारा। दूसरा उसने कहा चलो कोई बात नहीं, निकल गया सो निकल गया। दूसरे ने कहा अरत जय बुद्ध सर्वस्व जाता, सर्वस्व तो गया पर आधा हाथ में आवे, तो आधे में उसने ठाकुर पे हाथ मार दिया। धन न सही धन कमाने का मुद्दा तो हाथ लगा। अब और किशोरदास जो तीसरे थे वो पहले से घबरा रहे थे कि यद्यपि मुझ पर पिता का बहुत स्नेह है पर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो डर रहे थे कहीं मेरी प्रिय वस्तु को ये पहला और दूसरा बड़ा भाई छीन न लेवे, पर सौभाग्य से उसकी वस्तु बच गई। जिसे वो अंतरात्मा से प्यार कर रहा था वो वृंदावन की रज और राधा नाम का छापा। उसका मन ना ठाकुर की ओर था ना उसका मन उस धन संपत्ति की ओर था। और जब दोनों बाधाएं निकल गई और तीसरे उससे कहने ही क्या था, उसका हक बच गया था, तो तत्काल वहीं पर तिलक स्वरूप किया और राधा नाम का छापा लगाया अपने ललाट पर, भुजाओं पर। देख करके व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए, उसको प्यार से हाथ पकड़कर स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में ले गए निधिवन में और निवेदन किया कि ये आपके दासत्व के योग्य ये वस्तु है, इसको स्वीकार करें। निसंकोच स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। किशोरदास जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य हो गए। आज्ञा मिली ठाकुर श्री कुंज विहारी के लिए यमुना जी से जल घटवा कर लाओ, और वो जल का घट लेकर के जब यमुना जी की ओर चले तो मार्ग में ही उनको तथाथई रास दिख पड़ा। ये अभिनय रास नहीं था, ये साक्षात प्रिया प्रीतम वृंदावन में रास कर रहे थे। घट रख दिया किनारे पर और उस रास में जाकर सम्मिलित हुए। भाभा वेश में उन्होंने एक पद गाया, लाल लटकंता जौवन मंता, विस्तृत है पद, और वो पद रसिक सभा में बिना किसी वायरलेस के, बिना किसी कोडलेस के आकाशवाणी की तरह प्रकट हो गया। मैं ये कह रहा था कि विरागी वह है जिसका मन सहज सहज संसार संसार के पदार्थों की ओर न हो, वस्तुओं की ओर न हो। ऐसे विरागी प्रथम तो मोक्ष के अधिकारी होते हैं, और मोक्ष के अधिकार से उनको यदि परितृप्ति नहीं हुई है तो वो भक्ति के अधिकारी होते हैं। और वह प्रथम भक्ति जिसमें मोक्ष का सुख फीका और ठाकुर के चरणों का प्रेम उसके आगे, वो भक्ति क्रमशः शांत दास सख्य और वात्सल्यमयी है। इस सब का वर्णन आप तो बहुत श्रुत लोग हैं, बहुत श्रुत माने यहां पर अनेकों विद्वान आते हैं, रसिक आते हैं, कथा के प्रवक्ता लोग आते हैं, परम विरागी अनुरागी संत आते हैं, मस्ती के गीत गाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी मुख निर्गलित अमृत वाणी का प्रभाव आपके चित्त पर न पहुंचता हो। अवश्य में वो स्थान पाता है, भरे हुए हैं आप लोग।
भक्ति का दूसरा अधिकार, भक्ति ज्यो ज्यो सघन होती जाती है और दूसरे शब्दों में यों कहो कि उज्ज्वल होती जाती है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, उस भक्ति का स्वरूप बताया है जो ज्ञान और कर्म के मल से निरावृत है। शुद्ध भक्ति के रस के आस्वादन में ज्ञान मल बताया गया। मल माने मैल, मल शब्द का अर्थ आप जानते हैं। और कर्म भी एक मल है। ये प्रथम सीढ़ी की चीजें हैं, कर्म का अधिकार, ज्ञान का अधिकार। इस दिशा में ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने निवेदन किया ना कि आप तो सब बहुत श्रुत लोग हैं, इसलिए ज्ञान के स्वरूप को, कर्म के स्वरूप को भी समझे हुए हैं। जब ज्ञान और कर्म के मल से अनावृत हो जाती है भक्ति, तो शुद्ध भक्ति होती है। चाचा श्री वृंदावन दास जी एक संत हुए, उनको चाचा चाचा पहले से महानुभाव कहते आए हैं। वैसे तो परम विरक्त संत थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, एक सकामिन भक्ति कर्म के अनुगत कीनी, एकन लय रस भक्ति ज्ञान की संपुट दीनी, शुद्ध भक्ति की रीत रही दो उनते न्यारी, पुर उज्ज्वल रसमाय कछु गति भेदन न्यारी। सकामियों ने भक्ति को कर्मानुगा बना दिया, कर्म प्रधान हो गई, भक्ति को ओ, बहुत पुराना एक संस्मरण है, तब जो आज पाठक जी का बगीचा है वहां परशुराम ऋषि राम क्या नाम था उनका, उनका एक स्थान था, बगीचा था, उसमें बाबा रामकृष्ण दास जी के भजन करने की एक खंडहर कुटिया अब भी खड़ी हुई है स्वामी राम स्वरूप के बगल में। वहां पर हमारे गुरु भ्राता श्री बंशीदास जी रहते थे, वहां हम पहुंचे हुए थे। उस दिन सूर्य ग्रहण का दिवस था और हमारे एक मित्र भी थे कटनी से आए हुए। दो संत मार्ग से आते जाते आपस में टकराए, तो एक संत ने कहा, तुमने आज श्री यमुना में स्नान किया कि नहीं? तो दूसरे ने कहा, हम तो नहीं जा सके आज। बोले, तुम्हारा वृंदावन वास व्याप्त। एकदम उसने फैसला दे दिया हाईकोर्ट का, सर तुम्हारा वृंदावन वास करना बिल्कुल व्यर्थ। तो बोला, क्यों? बोले, तुमने जब ग्रहण में स्नान नहीं किया तो तुमने क्या किया? उस व्यक्ति के मन में कर्म की प्रधानता है। वृंदावन वास की सफलता वो ग्रहण काल में स्नान कर लेने में मानता है, जबकि ध्रुवदास जी जैसे महारस्य कहते हैं, बस के वृंदाविन में तिथि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान, खोयो अपने पान मूड कुछ समझत नाही, चंद्र मणि ले गुह कांच के मनियन माही। बस के वृंदाविन में सबसे बड़ी चतुराई ये है कि जुगल के भजन के बिना एक निमेश न जाए। कैसा भजन? चलत रहो ध्रुवरेन प्रेम बारी धारा नयन, जागृत और सुखसेन चिते चिते बिब जुगल छवि घुमर छवि, चलत रहो दिन रैन प्रेम बारी धारा नयन। भजन न करे निमित्त ले धरे सहज रसधार, जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। भजन नैमित्तिक हल्का फुल्का माना जाता है, जो तिथियों से और विधियों से बना हुआ है। एकादशी को रास्ता पांव धरने को नहीं मिलता है। ये सब कर्मानुगा भक्ति वाले लोग हैं, बुरे नहीं है, पर यहां भजन का तारतम्य जो महानुभावों ने प्रकट किया है, प्रसंग वसात उसकी चर्चा की जा रही है, अपनी दृष्टि में तो वे सभी बंद नहीं है। करते तो हैं, अकरणात्मंद करणम श्रेय, न करने से कुछ करना अच्छा है। और पाश्चात्य लोगों ने तो कहा कि न करने से कुछ बुरा करना अच्छा है, पर हम नहीं कह सकते कि कुछ बुरा करना अच्छा है। वो ऐसा मानते होंगे दूर की कौड़ी उठाई है कि बुरा अच्छा करने लग जाए, पर क्या बुरा उसमें आ सकती है? बुरा ही बुरा करें। कर्मानुगति किसी फल का अनुसंधान करती है, इसलिए वो निकृष्ट है। वो चाहती है कि इसका क्या फल होगा, इसका क्या फल होगा।
तो जो भी कोई फल होता हो, और जब भक्ति फल का अनुष्ठान करने लग जाती है तो भक्ति जीवन का परम लक्ष्य नहीं होता, फल लक्ष्य हो जाता है। जो भगवान की सकाम भक्ति करके पुत्र मांगता है, भक्ति तो करता है किंतु भक्ति का फल यदि पुत्र है, भक्ति का फल यदि आरोग्यता है, भक्ति का फल यदि धन है, तो भक्ति तुम्हारे जीवन का प्रिय पदार्थ नहीं है, वो केवल माध्यम है। इसलिए सकाम भक्ति कर्मानुगा भक्ति निकृष्ट कोटि की है। ये भक्ति कर्म के अनुगत हो गई, पिछलग्गू हो गई। भक्ति तो सा स्वतंत्र, भक्ति सूत्रों में नारद ने कहा भक्ति तो स्वतंत्र है, और भक्ति भक्ति के लिए होना चाहिए। सा फल रूपत्वात्, भक्ति का फल क्या है? बोले भक्ति ही है। अस्तु। और दूसरे ज्ञानियों ने भक्ति को ज्ञानाधीन बना दिया। लोग बड़े उमंग के साथ बोलते हैं, श्रीमद् शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य ने एक जगह कहा है कि मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति रेव गरीयसी, मोक्ष प्राप्ति करने के साधनों में यदि कोई उत्तमोत्तम साधन है तो भक्ति रेव गरीयसी, वो वजनदार वस्तु भक्ति ही है। जो तितिक्षा है, तप है, वैराग्य है, और भी अनेक प्रकार की सठ संपत्तियों के रूप में जिनका वर्णन किया गया, ये साधन निकृष्ट हैं, भक्ति श्रेष्ठ साधन है। राम की भक्ति ज्ञान के लिए हो, पर जिन्होंने भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है, उन्होंने लिखा है रामचरितमानस, आप पढ़ते सुनते होंगे, तुलसीदास जी ने कहा है देखो हाथ से निकल जाती है बात, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहा नहीं राम प्रेम परधानु। सो सुख कर्म और धर्म, उसमें आग लग जाए यदि राम प्रेम प्रधान नहीं है तो। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, इन्हें उपेक्षा किया, वो आग लग जाए मुझे कोई दुख नहीं होगा। जहां राम पद पंकज भाऊ, और योग यदि कोई सा योग की सिद्धि समाधि तक पहुंचाता है तो बोले वो कुयोग है। यदि कोई ज्ञान भक्ति प्रधान नहीं है, भगवत चरणारविंद की रति उत्पन्न नहीं करता है, कोई और दूसरे किसी फल का लक्ष्य दिखाता है, अनुसंधान करता है, तो ज्ञान भी अज्ञान ही है, जिसमें राम प्रेम प्रधान नहीं है। तो ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अथवा चाचा जी के वचनों के अनुसार, एक सकामिन भक्ति कर्म के अनुगत कीनी, एकल लय रस भक्ति ज्ञान की संपुटिनी, शुद्ध भक्ति। कुछ कह रहे हैं क्या? शुद्ध भक्ति की रीत रही दो उनते नारी, ज्ञान से और कर्म से अलग है वो कैसी है? उज्ज्वल रसमाई, उज्ज्वल है। आप आगे सुनेंगे वृंदावन की जो रस भक्ति है उसको उज्ज्वल रस के नाम से वर्णन किया गया है। उज्ज्वल का अर्थ होता है जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है और अन्य किसी की कोई आकांक्षा ही नहीं करती, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, जिसमें केवल रस ही रस है, रस के लिए रस है, प्रेम के लिए प्रेम है, प्रेम साधन है, प्रेम साध्य है, प्रेम सिद्धि है। रस साधन है, रस सिद्धि है, रस साध्य है। वहां पृथक रूप से तो जिसको आराध्य कहते हैं वो भी रस स्वरूप है, अलग से उसका कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। सारांश ये कि हमको उपासकों को, भक्तों को इस वृंदावन रस की लालसा यदि है तो हमको उसी क्रम से चलना पड़ेगा जहां हम
प्रतिदिन वंदना करते हैं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी को व्यासांबरी सुख शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदोद्धव वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमान। हम इन परम भागवतों का नमन करते हैं क्योंकि ये निष्काम प्रेमी है, वो प्रहलाद है, प्रहलाद भक्त शिरोमणि है, महाभागवतो सुरा। यद्यपि असुर कुल में जन्म है पर महाभागवत है। महाभागवतत्व तो उनका कैसे सिद्ध हुआ? जिनकी भक्ति के वश होकर के भगवान खंभ का विदारण करके प्रकट हो गए, जिनके समक्ष उनकी प्राण प्रिया लक्ष्मी भी नहीं पहुंच पाती हैं, ब्रह्मा और शिव की तो बात छोड़ दो, प्रहलाद को भेजा गया और देखते ही ठाकुर ने जिनको गोद में उठा लिया, प्यार किया। प्रहलाद को कहीं कोई भय नहीं है। प्रहलाद के जीवन में कितनी यातनाएं आई भागवतकार ने तो बहुत संक्षेप में लिख दिया है, सूत्रात्मक लिखा है। जितनी हिरण्यकशिपु के बुद्धि में उस बालक को मार डालने की युक्तियां उपाय प्रयास हो सकते थे सब कुछ कर दिया उसने, और अंतिम प्रयास आग में। आग तो ऐसी है जिसमें सब कुछ दग्ध हो जाता है, उस अग्नि से भी जब नहीं जला सका हाँ तब घबरा गया। और प्रहलाद निर्भय है प्रत्येक स्थिति में, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में पुराण में संहिता में जहां जहां प्रहलाद का चरित्र आया है कोई बतावे कि प्रहलाद ने दुख की आह भरी है, उसके जीवन में सदैव एक रस आनंद की स्थिति है। ये असुर कुल में उत्पन्न होकर के भी महाभागवत है। कोई तो जन्म के बाद भागवत होता है, वो गर्भ से ही भागवत, जिसको उत्तमोत्तम पात्र मान करके देवर्षि नारद ने उपदेश दिया था। प्रहलाद भक्त का नाम पहले, नारद का नाम पीछे है स्तुति में। ऐसे महाभागवत से जब ठाकुर गोद में लेकर के पूछते हैं बरम्बराय भद्रम ते प्रहलाद बेटा तुम कुछ मांगो, तो प्रहलाद कहते हैं आपको प्राप्त करने के बाद भी अब कुछ मांगना शेष रह गया है, है? हमारे परवर्ती काल के वृंदावन के महानुभाव ने कहा ना, जा ही लहे किछु लहन की आस न जिए मैं होए, जयत जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोए। प्रेम के ये दो अक्षर प्रे और मां, जयत जाग जगत पावन करन, जहां तक लोक लोकांतर का जगत है अखिल विश्व ब्रह्मांड को यदि कोई पावन करता है तो वो प्रेम है, और जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। और स्पष्ट किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, बोले जही पाए बैकुंठ और हरि ही की नहीं चाह, जिसे पा लेने पर ना बैकुंठ धामादिकों की भी इच्छा नहीं रह जाती और हरि की भी इच्छा नहीं रह जाती। हरि का प्रेम इतना महान है कि जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात उसकी इच्छा नहीं रहती। राधा रानी ने कहा ना ब्रज की लीला में कि प्यारे आवे निकट बैठे भाव ये हैं हृदय के, और प्यारे जीवे जगत हित करेंगे चाहे न आवे। प्रिय प्रवास में हरिओद ने कहलवाया है उद्धव से, राधा रानी कहती हैं मथुरा चले गए हैं हम, उनके वियोग में दुखी हैं व्याकुल हैं, आवें समीप बैठें और प्रेम की वार्ता करें, ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। परंतु नहीं आना चाहते हैं तो चिरायु हों, लंबा जीवन प्राप्त करें, संसार का कल्याण करें, सबको प्रेम का सुख दें, भक्ति का सुख दें, सबकी वांछा पूर्ण करें, भले मता में हमारे पास उदो मेरे हृदय में विश्व का प्रेम जागा, मुझे अब कृष्ण के सिवाय अन्यत्र कहीं कुछ नहीं देता। तो प्रेम की प्राप्ति हो लाने पर जीव को जो पूर्णता होती है उसके बाद उसको उस हरि की भी इच्छा नहीं रह जाती। आप ये न समझें हरि उससे दूर ही नहीं है, उसके हृदय में है।
यही तो नारद ने भक्ति सूत्रों में कहा, यह लब्ध्वा अपमान तृप्तो भवति निर्द्वंद्वो भवति आत्मा रामो भवति न किंचित वांछति न सोचति न रमते नोत्साही भवति। जिस प्रेम तत्व को उस भक्ति को प्राप्त कर लेने पर ये जीवात्मा तृप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, और उसे प्राप्त करके न कुछ आकांक्षा करता है, यदि कुछ खो जाता है तो उसका शोक नहीं करता है और परिपूर्ण हो जाता है। तो भक्ति के सोपान में, सीढ़ियों में जब हम आगे बढ़ते चलते हैं, तो ये महाभागवतों ने जिस सुख का आस्वादन किया है वो दाशरथी के नाम से हम उसे वर्णन करते हैं। और दाशरथी जब और घनी हो जाती है, सांद्र होती है, तब वो सख्य भाव में परिणत हो जाती है। तू और मैं का भेद जहां मिट जाता है, स्वामी और सेवक का भेद मिट जाता है, वहीं तो वाह भगवान कृष्णो श्री दामानम पराजिता, श्री दामा से पराजित होकर के जो भगवान है, जो कृष्ण है, जो दूसरों को आकर्षित करता है, सबकी प्रीति का केंद्र है, उसकी पीठ पर श्री दामा बैठता है और वो उसका बहन करता है। वहां ईश्वर जीव का भेद मिट गया। प्रेम की अवस्था जो जो आगे बढ़ती है त्यों त्यों भेद के भेद को विनष्ट करती चलती है। हमारे वृंदावन रस के रसिक श्री भगवत रसिक देव जी ने एक उदाहरण के द्वारा ये बात समझाई है। वो कहते हैं, काटे कुकुर बाबरो और जाको लागे भूत, करे अमल तहां आपनो दाब परायो पूत, दाब परायो पूत प्रेम की यह गति जानो, जीव ते ईश्वर होए साख ब्रजवधू बखानो, भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा रस चाटे, जगते न्यारो होए काल कुकुर नहीं काटे। वो इसमें बताते हैं कि जिस बावला कुत्ता काट देता है तो उसमें कुत्ते का विष चढ़ जाता है, तो वो कुत्ते की तरह बोलता है, भौंकता है, उसकी दृष्टि में कुत्ते कुत्ता रह जाता है। जीव अपना मानव रूप भूल करके, देहधारी अपना स्वरूप भूल करके स्वान की वृत्ति में एकाकार हो जाता है। ये मतलब एक विष ऐसा होता है कुत्ते का कि उसके प्रभाव से मानव अपना मानवत्व भूल करके स्वानत्व में पहुंच जाता है। और जाको लागे भूत, प्रेत यदि बाधा किसी को हुई हो तो वो जानते होंगे, जब प्रेत आके बैठता है, देखा तो होगा दृश्य, सबके सामने आता है, तो वो प्रेत उसमें उसकी इंद्रियों में, उसके मन में, उसके अंतःकरण में अपना पूरा एकत्व कर लेता है और उसके भीतर से वो प्रेत ही बोलता है। तो पराया पूत माने दूसरे के व्यक्तित्व को विनष्ट करके प्रेत अथवा कुत्ते का विष जब अपना अधिकार कर लेता है और उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है तो प्रेम की यह गति जानो। प्रेम भी जब किसी के अंतःकरण में प्रविष्ट होता है और अपना अधिकार करता है और अपनी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वो समाप्त हो जाता है। कैसे? बोले साख ब्रजवधु बखानो, जीव का जीवत्व छूट करके ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है। इसका प्रमाण है ब्रज की बालाएं। रास के मध्य में श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर कृष्ण कृष्ण का संशोधन करते तदाकार होकर के यमुना पुल में वे कृष्णाकार हो गई, और वे कृष्णाकार होकर के श्री कृष्ण की उस रासलीला से पूर्व जितनी भी लीलाएं थीं उनका अनुकरण नाट्य करने लग गई। गोवर्धन धारण कहा, उन्होंने हाथ में अपनी ओढ़नी उठा लिया, मां भीष्टवाद वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया, एक गोपी हाथ में अपनी ओढ़नी को ऊपर उठाकर बोली कि ब्रजवासियों डरो मत, आ जाओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, इसकी छाया में, इसकी छत्र छाया में तुम सब निर्भय रहोगे,
तुम्हारा ये वर्षा, ये वायु, ये अंधड़ कुछ नहीं कर सकता। मां भीष्ट बात वर्षाभ्याम, मेरे द्वारा रक्षित हो तुम, आ जाओ। इस प्रकार से उकल बंदन की भी लीला उन्होंने किया, मृतिका भक्षण की भी लीलाएं की। एक ने पदाक प्रांत एक के सिर पर दूसरे को मान लिया कि यही दुष्टा है, कच जा तो हम बला नाम दंडक काली सर्प है। एक लात मारा एक गोपी ने दूसरे के सिर पर, प्रकट देखने में कह रहे दुष्ट काली तू चला जा यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं। इस प्रकार से करण लगी मन हरण लाल लीला मन भाई। तो जीवते ईश्वर हो साख ब्रज वधु बखानो, गोपी का अस्तित्व समाप्त हो करके कृष्ण प्रेम के कारण कृष्ण का अस्तित्व उनके अंतःकरण में आ गया। भगवत रसिक कहते हैं कि इस प्रकार से जब अपना जीवत्व खो करके रसिकता की रंगमंच पर ये जीव पहुंच जाता है, प्रियालाल के साथ एक मेक हो जाता है, तो नित्य विहार रस का अधिकारी होता है। तब श्याम श्यामा का जो रस है उसको चाटने का अधिकारी होता है, उसके आस्वादन का अधिकारी बनता है। भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा रस चाटे और जगते न्यारो हुए, संसार तो जाने कहां छूट गया। सके चुल की तरह त्यक्ता कर्म भिरात्मगवत धर्मे प्यहो निर्ममा। तो भागवत धर्म का अनुसार जो स्वरूप है शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य में जहां आत्मा के साथ एकता है और गोपियों की प्रीति रती